मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने उनसे बातचीत कब करना शुरू की शादी से, लाइक कजन थी, जाहिर है कजन तो होता है कि फैमिली में सब इकट्ठे बैठे होते हैं, लेकिन आई डोंट नो हर फैमिली में नहीं होता होगा ना कजन से मिलना जुलना। हमारे साथ ये घर में अभी भी वो ऐसा ही है कि मिल के खाना नहीं खा पाते, मर्द आते हैं, खाना खा जाते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ. लड़कियां पहले खा सकती हैं, जो पहले आ गया खा गया, मतलब इकट्ठे बैठने वाला रिवाज नहीं, बिल्कुल रिवाज नहीं। बाकी आपस में कजन्स में सब एक दूसरे से फ्रैंक होते हैं, आपके खानदान में ऐसा नहीं। इस बात को कहने का मकसद यह है कि मुलाकात हमारी इस तरह होती नहीं थी पहले, कभी कभी हम घर पे जिस तरह, क्योंकि हम अलग घर में रहते थे, वो अलग घर में रहते थे, तो कभी मुलाकात हो जाती थी, तब वहमो गुमान में भी नहीं था कि शादी होनी है। कजन जिस तरह नॉर्मली आप बात कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह फिल्मों में देखते हैं ना पुराने वाले के, जब मंगनी हो जाती है तो आप शर्माते हैं, लड़कियां बहुत शर्माती हैं, वो सामने नहीं आती, बिल्कुल दूर दूर रहती हैं, तो ये सीन हुआ, सहेलियां छेड़ती भी हैं कि तुम्हारा मंगेतर आ रहा है। यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, यू नो, आप पता है बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन आपकी स्टोरी सुनने में ना इंटरेस्ट होता है। थैंक यू। तो वो लड़कियां, सहेलियां, कजन, बहनें छेड़ती भी हैं, देखो वो आ गया ये वो, पर वो आपस में जो नटखटी चीजें जो होती है, वो इस तरह की एक सिचुएशन थी मेरी, और वो हम बात नहीं कर पाए इतना। अच्छा। हाँ, क्योंकि जानते तो थे एक दूसरे को, उनको भी लगा कि हाँ यार विल मेक अ गुड पेयर, मुझे भी था कि यार दादी का फैसला है एंड आई एम आल्सो इंटरेस्टेड। अच्छा। तो यार हाँ कि अच्छा होगा। हाँ। और ये कि आज इनायत इतना संभल के बोल रहे हैं ना क्योंकि घर भी जाना है, इनायत बहुत संभल के बोल रहे हैं। जी जी जी, नपा तुला बोल रहे हैं। जी जी जी, पिछली बार मैं भुगत चुका हूँ। देखे बाहर आप जितने बड़े एक्टर हो जाए, बीवी है तो सुकून है। जी 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 जी, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, वो जो अपने सिपा सलारों कहते थे अल्लाह की कसम मैं जंग में था, बताओ बेगम को, मैं जंग में था। तो बेगम होम मिनिस्टर। अच्छा, फिर आपकी बातचीत मंगनी से पहले, शादी से पहले शुरू हुई? हाँ, जब आपकी बात पक्की हो गई। जब बात पक्की हो गई फिर वो हम थोड़ा दूर दूर रहना, कभी कभी मैं आ भी जाता था तो वो दूसरे रूम में चले जाना, बात नहीं करते बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। हालांकि इजाजत थी घर से, मेरे ससुर कहते थे कि बात किया करो अपनी बेटी को, ऑब्वियसली मेरी वाइफ को कहते थे, लेकिन वो उनमें थोड़ी, वो मुझसे ज्यादा इंट्रोवर्ट है, वो बहुत ज्यादा शाय पर्सन है, इसलिए वो पब्लिकली भी नहीं आती, और वो अब इसको मेरी खुशनसीबी करना, लाइक अगर कवर करके फेस वो आ सकती हैं, आपकी तरफ से इजाजत है? मैं तीसरी बार उससे बार बार, जिस तरह मुझे आपकी टीम से भी आई कि यार भाभी को आप, मैं रिक्वेस्ट करता था, अब मैं अगली दफा मैं मनाऊंगी, सही है ना, मैं खुद मनाऊंगी भाभी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था, लेकिन वो उनको थोड़ा घर पे रहना ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ी शाय है वो ना, उनकी नेचर शाय। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अब इसे मेरी खुशनसीबी कहें या बदनसीबी कि वो मॉल तक नहीं जाती मेरे साथ, शो में आना तो दूर की बात है कहीं। हाँ, तो वो उनको ज्यादा कह रहे मेरी खुशनसीबी का है, बदनसीबी का ये सही है। तो वो मॉल तक, उनको अच्छा लगता है अपनी सिस्टर्स के साथ, सहेलियों के साथ। नहीं तो जैसे अगर आपको घूमने फिरने जाना होता है तो कहाँ जाते हैं हम, खाना खाने बाहर, ये वो, कोई ऐसा सीन नहीं होता? नहीं जा पाते शादी के बाद, जैसे लड़का लड़की नए नए घूमने जाते हैं ना, नई नई शादी हुई है तो क्या खानदान वालों के घर चली जाती है? नहीं नहीं, शुरू में हम गए थे, शादी जब हुई थी इनिशियली मैं उनको सिनेमा लेके जाता था, मुझे पाकिस्तानी फिल्में देखने का बहुत शौक है, जो फिल्म आती है तो मैं रॉन्ग नंबर भी दिखाई थी आपके, तो वो मूवीज देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं अपने फैमिली को भी पाकिस्तानी चीजें दिखाता हूँ कि हम बड़ा अच्छा बनाते हैं, वास्ता वास्ता वो सब फैंस भी हो गए, तो मूवीज के लिए हम डिनर के लिए शुरू में जाते थे, और आस्ता आस्ता जो है वो उनको, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यार ठीक है, I don't feel comfortable. मतलब कि अब जैसे जैसे आपके ड्रामे हिट होना शुरू हुए, आपको लोग पहचानना शुरू हुए माशाल्लाह, सो वो उस वक्त थोड़ी सी नजरों में आने लगे ना सब, जी जी हाँ, तो इसलिए वो थोड़ा हेजिटेट करती हैं कि अब मैं जाऊं तो कुछ। हाँ, वो पड़ोस में, पड़ोस ने आ जाती है ना, तो जी आपके हस्बैंड का हम देखते हैं ड्रामा बड़ा अच्छा है, वो हमें फलाना, तो वो ज्यादा तंग होने लगी मुझसे। पहले तो पाबंदी तो नहीं आयत करेंगे, बस एक साल तक एक्टिंग करेंगे फिर नहीं, ऐसा तो नहीं कभी बोलती? अच्छा, ये नहीं है, हमेशा सपोर्ट किया ये, शुक्र है। मतलब ऐसी सपोर्टिव है कि मैं अगर एक माह भी लाहौर में होता हूँ शूट में तो हमेशा कॉल करके यही पूछती है कि भाई खाना वाना ओके, आज तक कभी ये नहीं कि कहाँ रह गए, कब आएंगे, ये अल्लाह का शुक्र। नाराज किस बात पर होती है आप? बहुत सेंसिटिव है। अच्छा। नाराज वो होती है जब मैं ऊंचा कह दूं कभी कभी, यार कपड़े, यार अलग, अभी ये कपड़े मैंने खुद प्रेस किए हैं, काम मैं अपने खुद करता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि स्ट्रगलर का ये होता है, वो
आदत हो जाती है अपना, फिर उसको उसके बाद उसको किसी और की स्त्री नहीं अच्छी लगती होगी ना, जब वो अपनी उसको आदत हो जाती है, नहीं यार अच्छी नहीं करी तुम, यार मुझे दे दो। हाँ वो ऐसा भी होता है, लेकिन मैं उनको मौका नहीं देता। अच्छा, मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने कभी भी अपनी वाइफ को वाइफ नहीं समझा, मैंने एज अ फ्रेंड समझा। अच्छा, मेरी दोस्त है। हाँ। और मैंने उनको अल्लाह की मखलूक समझा है। हाँ। जिस तरह मैं इंसान हूँ वो भी इंसान है। हाँ। तो इसलिए मैं उसको इस तरह लेके जाता हूँ। मैं कभी लोग वाइफ को डोमिनेटिंग करते ना, यार वाइफ है तो वाइफ का काम घर के बच्चे संभालना, कपड़े इस्त्री करना, काम काज करना, मेरा ये नहीं है। हम कहते हैं यार हम दोनों बराबर। शुक्र है लड़कों का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। वैसे भी मैंने ये नोट किया आपके बारे में कि आपका माइंडसेट डिफरेंट है दूसरों से। आप आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने कहा ना अपनी फैमिली को चेंज किया, मैं चेंज हुआ, मैंने सबको आहिस्ता आहिस्ता मैं उस तरफ रागिब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखे ना, पहले हमारे नाम होते थे समंदर खान, दरिया खान, वो चेंज ही किए कि अब वो थोड़े से जरा यूनिक नाम, इनायत खान, इनायत खान पुराने नाम है। तो जो मेरे जो छोटे कजन है उनके नाम मैंने बड़े प्यारे प्यारे साहिल रखवाए हैं। नहीं खैर, मेरे बेटे का नाम है फरीद नवाज बलोच, वो भी पुराना नाम है। लेकिन वो मुझे लग रहा है वो शायद उनके दादा का नाम है। जी जी, हमारी ट्रेडिशन है ना। जी जी जी। अब जैसे फरीद का जो पोता होगा, जी जी, तो वो फिर फरीद के पोते का नाम भी वही होगा, फरीद नवाज बलोच। ये हमारे फिर उसके पोते का भी यही होगा। तो ये एक ट्रेडिशन है। जैसे आपको पता है, मैं बता दूं, यासर तो नहीं देख रहा, यासर का एक्चुअली नाम है खान मोहम्मद। मैसेज करता हूं यासर को। यासर का एक्चुअली जो खानदानी नाम है वो है खान मोहम्मद। खान मोहम्मद, अच्छा अच्छा। हां हां, तो यासर नवाज उसके अब्बा ने रखा नाम, और खान मोहम्मद दादा का नाम था। तो यासर को वैसे में मिला। सो ये एक एक ट्रेडिशन है। नहीं, हमारे में भी है ये बिल्कुल। मेरे दादा का नाम है नोरेस खान। अच्छा, तो मेरे जो छोटा कजन है, हाँ, तो उन्होंने अपना नाम जो है वो नोरेस। अच्छा, हमारे ही होता है जो सबसे बड़ा कजन होता है, सबसे बड़े बेटे का सबसे बड़ा बेटा। ओके, वो लाइक फरीद सबसे बड़ा है पूरे खानदान में, तो उसका नाम उसको मिला विरसे में। हां, विरसे में मिलता है और बड़ा प्राउड फील करते हैं। जी जी जी।